It's time for men's 74 kilogram category bout right here in Dabur Chyawanprash Pro Wrestling League, powered by Thumbs Up. He's from India, but right now representing GSW Bengaluru Yodhas. Please welcome Narsingh Yadav. To compete with him in Dabur Chyawanprash Pro Wrestling League, powered by Thumbs Up, he is from India, but he represents Mangalathan University, Dilli Veer. Please welcome Dinesh Kumar. एक तरफ है युवा प्रतिभा जो उभर कर आ रही है, बिल्कुल अजीजुल्ला एतादी ईरान से हैं इस मुकाबले के रेफरी, और मुकाबला शुरू कमेंट्री बॉक्स में रमन, स्वागत जगदीश कारी रमन का, और नवजोत सिंह सिद्धू को तो आप सुन ही चुके हैं। और एक तरफ सीनियर खिलाड़ी नरसिंह यादव जो कि आइकॉन खिलाड़ी हैं बेंगलुरु योद्धास के, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2015 लास्ट वेगस में ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारत के लिए, वहीं दूसरी तरफ दिनेश कुमार जो कि जूनियर खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, जूनियर एशिया कप 2015 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और बहुत सारी आशाएं हैं। प्रो रेसलिंग लीग ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है भारत के युवा खिलाड़ियों को कि वो वर्ल्ड के सबसे अच्छे खिलाड़ियों से यहां पर खेल रहे हैं, और यहां पर बहुत अच्छा अटैक किया है और एक अंक ले लिया, इसको कहते हैं युवा जोश। जब भी कोई आदमी शुरुआत अच्छी करता है ना, वो तो नई ऊर्जा का संचार। मैं जब जाता था हड़बड़ाया होता था, लेकिन एक चौवा लग गया ना, पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती थी, शरीर में एक नया जोश आ जाता था, एक फ्यूजन हो जाती थी, ऐसा लगता था यार आप आने दो मैदान। ये अच्छी बात है दिनेश। नरसिंह अभी तक एक भी मुकाबला हारे नहीं है प्रो रेसलिंग लीग के अंदर, वहीं दिनेश जो चार मुकाबले उन्होंने खेले उसमें से तीन हारे, लेकिन पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं। रेवंता मुंबई गरुड़ के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था, नेशनल चैंपियन को हराया था उन्होंने। ऑफ एवरेजेस भी है, सोने में सुगंध नहीं, गन्ने में फूल नहीं, चंदन में फल नहीं होता, राजा दीर्घजीवी नहीं होता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, कभी तो गिरेगा ही, चैंपियन भी गिरेगा। अनुज श्रीवास्तव यहां पर ट्वीट करते हुए ये कह रहे हैं कि दिनेश कुमार फॉर्म में है, पर क्या यहाँ पे नरसिंह को हरा पाएंगे। फॉर्म में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेशनल चैंपियन जो कि रेवंता मुंबई गरुड़ की तरफ से खेल रहे थे पीडब्ल्यूएल के अंदर, उनको पिछले मुकाबले में हराया था, और हराया था 5-3 से। प्रो रेसलिंग लीग ने भारत के महिला और पुरुष जो युवा खिलाड़ी हैं, जूनियर खिलाड़ी हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है इस तरह के टूर्नामेंट खेलने का, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आने अगले साल जब ये लीग होगी तो यही खिलाड़ी यहाँ पर स्टार बन के आएंगे, आइकॉन्स बन के आएंगे, और ये कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इनको एक मौका मिला है ओपनिंग करने का, इनके लिए खोने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। बिल्कुल, और फिर से एडवांटेज लेते हुए दिनेश कमाल की कुश्ती लड़ते हुए सामने एक विश्व चैंपियन, भारत की उम्मीद, और ये कंट्रोल में, और इस समय होल्ड करने की कोशिश करने दिनेश कुमार, हालांकि कंट्रोल अभी क्लियर नहीं, और दो अंक और ले लिए, 3-0 के बड़ा हासिल कर लिए। देखिए कितनी शानदार कोशिश, और यहाँ पर अपने ही दाव में फंस गए, बारंदाज की कोशिश थी, अच्छा काउंटर किया नरसिंह यादव ने, इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, सही मौके पर सही चौका मारा। सबसे बड़ी बात है उसके रिफ्लेक्सेस बहुत तगड़े, तो कहते हैं जब क्रिकेट खेलते हो यार ये प्लानिंग अच्छी नहीं हुई, अरे जब गेंद 150 किलोमीटर पे आती है तो प्लानिंग क्या खाक की है, फिर रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो आदमी बिजली की तरह कौंधता है, जिसमें चपलता है, जिसमें फुर्ती है, वो हावी, इसीलिए नरसिंह काउंटर अटैक बहुत अच्छा था, रिफ्लेक्सेस जो हैं वो बिजली जैसे। बिल्कुल, यहाँ पे पिछड़ रहे थे 3 अंकों से, और आखिरी क्षणों में यहाँ पर काउंटर कर दिया, इसको कहते हैं समझदारी, इसको कहते हैं जो सीनियर लेवल पर खिलाड़ी में आकर जो परिपक्व आती है वो इस तरीके से आती है। भगवान भी लठ नहीं देता किसी को तगड़ा करने के लिए, उसे बुद्धि से पारंगित कर देता, और यहाँ पर 2 अंक और ले लिए, सिचुएशनल अवेयरनेस, किस सिचुएशन में आपने क्या करना है, 24 कैरेट
सोना है, आग में डालोगे काला थोड़ा ना होगा गुरु, और चमकेगा। बहुत अपनी टीम को दिलाते हुए आइकॉन खिलाड़ी और कप्तान, पहला राउंड समाप्त। और एक समय 3-0 से जो पिछड़ रहे थे नरसिंह पंचम यादव, जब राउंड समाप्त किया है एक अंक से आगे नरसिंह यादव, ऊपर दिनेश कुमार ने काफी अच्छी यहां पर टक्कर दी और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जीवन छुरे की धार पर, संभल के चलोगे तो पार निकल जाओगे, जरा फिसले तो कटे। और यहां पर एक अंक लेने में सफल हुए नरसिंह यादव, अटैक किया था दिनेश ने, सामने वाला सोता रह गया। देखिए किस फुर्ती से उसे ढकेला, और वो ये नहीं है, बड़े आराम आराम से बड़े यकायक एकदम से इंजन जो है पांचवें गियर में चला गया। बिल्कुल जो रिएक्शन था वो जबरदस्त था, तेजी दिनेश ने दिखाई थी लेकिन रिएक्शन उतना ही तेज नरसिंह पंचम यादव का। बहुत सही, इसे कहते हैं प्रतिकारी क्रिया। कोई सवाल फेंके तो आप कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, हाजिर जवाब यहाँ, ये पहलवान जो है उसका रिएक्शन बहुत तगड़ा है, तेजी है, बिजली है, ओहो सवारी। और यहाँ पर दो अंक ले लिए, देखिए संतुलन बिगड़ा दिनेश कुमार का, दो अंक ले लिए। जगदीश ऐसा लग रहा है कि भारंदाज करने की कोशिश कर रहे थे, घुमाने की कोशिश कर रहे थे, दो अंक से संतुष्ट नहीं थे, उस होल्ड को और घुमाना चाहते थे। बिल्कुल, और चार अंकों की बढ़त हासिल कर ली है नरसिंह यादव ने, धीरे धीरे अपनी फॉर्म में अपनी लय में आते हुए। और यहाँ पर मुस्तफा बेंगलोर खेमे की तरफ से ताली बजाते हुए, साथ में योगेश्वर दर्द हरियाणा टीम का आइकॉन खिलाड़ी। मुस्तफा गौस याद रखिए जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के सीईओ हैं और काफी खुश अपनी टीम के प्रदर्शन से, इस समय हिम्मत छोड़ गए, साफ दिख रहा है चेहरे पे, दिख रहा है कि भैया तुम टॉप पे हो, ये मान लिया, और तुम्हारी मान्यता ही तुम्हारा जीवन है। मैं तो एक और बात से बहुत खुश हूँ, जब मैं देखता हूँ कि पूर्व खिलाड़ी जो हैं जब वो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगता है नवजोत, क्योंकि मुस्तफा गौस टेनिस कोर्ट पे उनको कितना देखा, अब स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए, लेकिन यहाँ पर नर्सिंग डोमिनेट करते हुए। और यहाँ पर इकेरी पट पकड़ी थी, सिंगल लेग अटैक किया था, आसानी से बाहर धकेल दिया पैसिफिटी जोन से, और उसके फलस्वरूप एक अंक मिला। स्कूल के बच्चे यहाँ पर काफी इंजॉय कर रहे हैं नरसिंह पंचम यादव की बाउट को, काफी जोश स्कूल के बच्चों में। नरसिंह का मतलब है आधा इंसान आधा शेर, अवतार लिया था भगवान नारायण ने, नरसिंह अवतार, और वध किया था एक बड़े राक्षस का, इसलिए नरसिंह से बड़ा बल पृथ्वी पे किसी का नहीं हुआ। और ये दर्शाया है नरसिंह यादव ने भी कि आज अगर जब कुश्ती होती है तो इतना विश्वास छलकता है, कुछ लोग खास होते हैं और हिंदुस्तान के आवाम का विश्वास होता है, विश्वास है कि ये मेडल। हालांकि अभी भी दिनेश कोशिश कर रहे हैं अंक बटोरने की, पर इस समय काफी मुश्किल दिनेश के लिए, क्योंकि कई अंकों से पिछड़ रहे हैं। दूसरी तरफ एक चट्टान की तरह, एक पहाड़ की तरह खड़े नरसिंह यादव काफी मजबूत स्थिति में हो गए हैं। महाराष्ट्र पुलिस में डीएसपी हैं नरसिंह यादव, और इस समय अपना लोहा मनवा रहे हैं। बिल्कुल, खुद को भेड़ बना दोगे तो भेड़िया खा जाएगा, और अब खुद को भेड़ बना दिया है, मानो हाथ डाला है नरसिंह ने। और सामने वाला पहलवान अब महज औपचारिकता के लिए खेल रहा है, जीत के लिए नहीं, हालांकि कोशिश कर रहे हैं दिनेश, पर कोई सफलता नहीं मिल रही, पूरे तरीके से हावी हो गए हैं। बहुत अच्छा डिफेंस यहां पर नरसिंह यादव द्वारा, एकदम कटोरा, और मानो नरसिंह उद्घोषणा कर रहे हैं, वो मेरे दम से यूं मेरे वतन की जीनत जिस तरह किसी फूल से होती है चमन की। स्कोर 4-8, 8 अंक नरसिंह यादव के और 4 दिनेश के। और यहां पर बेंगलुरु योद्धा के खिलाड़ी नरसिंह यादव, आइकॉन खिलाड़ी ने यहां पर विजय श्री हासिल की और अपनी टीम को आगे बढ़ाया। ये एक अहम जीत है क्योंकि अब होम टीम के पास 3-2 की बढ़त। ऑफ कोर्स मेरे साथ हैं विनर जो बहुत अच्छे से जीत गए हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आज तक आप एक भी मैच, एक भी बाउट नहीं हारे हैं, क्या ये आपके लिए मुकाबला बहुत आसान है? नहीं, मुकाबला तो कड़ा है, सभी रेसलर अच्छे हैं, काफ़ी रेसलर वर्ल्ड के और ओलंपिक के मेडलिस्ट भी हैं, तो मुकाबला तो काफ़ी संघर्षपूर्ण है, पर मैं अच्छी तैयारी करके आऊँगा, मुझे सारे मुकाबले यहाँ पे जीतने हैं। एक बात बताइए, आप ऑब्वियसली सारे मैचेस जीत चुके हैं, आप डाबर च्यवनप्राश तो ज़रूर खाते होंगे, उसके अलावा आप क्या खाते हैं, एक रेसलर की डाइट क्या होती है? रेसलर की डाइट तो जैसे दूध घी बादाम वगैरह होती है, और प्रोटीन्स वगैरह भी ले लेते हैं, तो
काफ़ी हैवी डाइट होती है सभी रेसलरों की। तो मतलब जो घर का खाना देसी खाना होता है वो भी चलता है? हाँ बिल्कुल, घर का खाना तो सबसे अच्छा होता है और घर का खाना सभी खाते हैं तो अच्छा है। और आप DSP भी है पुलिस में, ये तो मैं आपसे पहले भी पूछ चुकी हूँ, तो ऐसा तो आपके इलाके में चोर चक्के तो बिल्कुल भी नहीं दिखते होंगे, क्योंकि जैसे आप फियर्सली रेसलिंग करते हैं आई एम श्योर पुलिस का काम भी आप वैसे ही करते होंगे। बिल्कुल, पुलिस के काम भी मैं बहुत अच्छी तरह कर लेता हूँ, बट एक अभी मैं न्यू हूँ तो अभी कुछ सीख भी रहा हूँ, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पुलिस का, बट एक जहाँ भी जॉब करता हूँ वहाँ अच्छी तरह करता हूँ। लेकिन आपको हेल्प किया है पुलिस में रहना रेसलिंग करने के लिए? हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैं महाराष्ट्र में DSP हूँ तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहता है सभी वहाँ के, सभी जो मेरे SP हैं, जो DG हैं, जो भी वहाँ का सभी स्टाफ है, सभी मुझे काफ़ी कोऑपरेट करता है और मुझे प्रैक्टिस में या रेसलिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती।